आइए देखते हैं कि आईडियो की शक्ल में पहला सवाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मैं मलार से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम वसीम है। मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ, जिसमें कई कई बार मुझे पोस्टर में जो फोटोज लगाना पड़ते हैं, तो क्या वो मैं लगा सकता हूँ जायज़ है? अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे वसीम भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये किसी प्रेस में काम करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कहीं पर फ़ोटो लगानी होती है, तो क्या हम फ़ोटो लगा सकते हैं कि नहीं, यानी तस्वीर के मामले में वो किसी तरह का कारोबार कर सकते कि नहीं, किसी की मदद कर सकते कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात वाज़े होनी चाहिए कि इस्लाम में तस्वीर को सख्ती के साथ हराम करार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाज़ अहादीस में लानत फरमाई है कि लानल्ला अलमुसव्विरीन, अल्लाह की लानत हो जो तस्वीरें बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं, बाज़ रवायतों में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि क़्यामत के दिन ऐसे लोगों से कहा जाएगा तुम इसमें रूह फूंको। और भी बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें बहुत शदीद वईद है तस्वीर बनाने वालों के लिए। इसलिए अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि बिला ज़रूरत तस्वीर बनाना ये नाजायज़ है, हराम है, ममनू है। लेकिन बाज़ हालात ऐसे हैं और बाज़ वजूहात ऐसे हैं जहाँ पर उल्मा ने तस्वीर की इजाज़त दी है। मिसाल के तौर पर एक हालत ऐसी है जिसमें सारे उल्मा मुत्तफिक हैं कि आप उसमें तस्वीर निकाल सकते हैं, जैसे आपको अपनी पहचान करानी हो, पासपोर्ट का मसला है, शनाख्ती कार्ड है, वहाँ पे आपको तस्वीर लगानी होती है, तो ऐसे हालात में तो सारे उल्मा मुत्तफिक हैं कि आप तस्वीर वहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे ही एक और हालत है कि किसी मुजरिम की शनाख्त करनी है, किसी को पकड़ना है, तो ऐसे हालात में भी तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसको हम ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, अभी हम आपसे जो रबते में हैं या तस्वीर ही के ज़रिए रबते में हैं, वीडियो के ज़रिए रबते में हैं, ये जो मसला है ये भी उल्मा के दरमियान मुख्तलफी है। कुछ उल्मा इसको भी गलत कहते हैं और कहते हैं दावत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरे उल्मा इसकी इजाज़त देते हैं कि दावत भी एक ज़रिया है दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का, इसलिए इसकी तस्वीर भी जायज़ है। तो ये जो जायज़ सूरतें हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है तस्वीर की, उन जगहों के अलावा अगर आप तस्वीर कशी करते हैं, उन जगहों के अलावा अगर आप तस्वीर लेते हैं या उस सिलसिले का कोई भी कारोबार करते हैं, तो अहले इल्म उसको जायज़ नहीं समझते। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके काम के दायरे में ऐसा मोड़ आता है जहाँ सामने वाले को तस्वीर लेना ज़रूरी है, उसका पासपोर्ट बनाना है या कुछ करना है, तो ठीक है, उसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपके काम में, आपके प्रेस में, आपके कारोबार में ऐसी तस्वीरें आपको बनानी पड़ती हैं, जैसे शादी ब्याह के मौके पर लोग तस्वीरें लेते हैं लड़कियों की, लड़कों की, बिला वजह, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो कारोबार आप करते हैं, तो इसको तो सही नहीं कहा जा सकता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सबसे पहले जहन में रखें कि इस्लाम में तस्वीर लेने को हराम करार दिया गया। सही बुखारी की हदीस कि अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है तस्वीर बनाने वालों पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तस्वीर हराम है इस्लाम में, जायज़ नहीं है। जायज़ है बाज़ हालात में, बाज़ हालात में जैसे आपको दावत देना है, या ये ऐसे कुछ हालात हैं जहाँ पे अहले इल्म ने तस्वीर को जायज़ करार दिया, जैसे तालीम का मसला है वगैरह वगैरह, तो जहाँ जहाँ उल्मा ने इसकी गुंजाइश दी है वहाँ पे तस्वीर का मामला ठीक है। लेकिन मुतलक एक कारोबार बना लेना कि कैसी भी तस्वीर आ जाए हम उसको बनाएंगे, उसका कारोबार करेंगे, तो मेरे इल्म के हद तक किसी भी आलिम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप आज़ाद हो गए, जो चाहें जैसे चाहें तस्वीर बना सकते हैं, उसका कारोबार कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। तो आप तस्वीर के मामले में एक दायरे में रहते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन आज़ाद होकर आप तस्वीर के मामले में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।